यहीं से कर्नल जी बात करेगा सरसों की, तो सरसों को लेकर हमारे पास काफी सवाल आते हैं व्यापारियों के, किसानों के, कि सरसों में इस बार देख रहे बम्पर उत्पादन रहे पिछले बार की तरह ही, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है, और मंडियों में भी जो आवकें हो रही हैं सरसों की वो भी जोरदार हो रही हैं। तो अब सरसों व्यापारियों को और किसानों को क्या करना चाहिए? सरसों अभी रोकनी चाहिए, बेचनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अखिलेश जी, इसके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि पिछले साल जो सरसों थी करीबन 85 लाख टन का उत्पादन था, और इस साल करीबन 1 करोड़ 2 लाख टन की उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। और ये चीजें सोयाबीन पे भी थी, आपको याद होगा सोयाबीन में सोपा में 119 लाख टन की उत्पादन की बात की थी, और कॉटन के अंदर आपको याद होगा फिर जो 3.61 करोड़ गाट की बात की थी, और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात की थी। तो ये जो आंकड़े हैं, ये कॉटन के अंदर भी अच्छी फसल के बावजूद भी जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े दिए थे, और सोयाबीन के ऊपर जो सोफा ने आंकड़े दिए थे, उनके बावजूद भी दाम बेताशा बढ़े। और जहां तक सरसों की बात है, सरसों पे आगे बहुत जबरदस्त मूवमेंट की संभावना है, उसके लिए हम विशेष रिपोर्ट भी हम आपके आपके साथ दर्शकों को शेयर करेंगे सरसों स्पेशल एपिसोड बना के। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि उत्पादन के आंकड़े फसल के समय सबसे ज्यादा बाजारों में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद उसका मतलब क्या नजर आता है, जो जो आप देखिए, ये प्याज के ऊपर आपको याद होगा मार्केट टाइम सीरीज पर भी हमने लगातार अपडेट दिए थे, जब प्याज 600 रुपए क्विंटल 500 रुपए क्विंटल बिक रहा था, जो किसान को लागत की नहीं आ रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि इसको माल को मेरे हिसाब से प्याज में तेजी बनेगी, और वो अक्टूबर आते आते प्याज जो 500-600 रुपए क्विंटल था वही 3200 रुपए क्विंटल हो गया। यही आपको सोयाबीन के ऊपर आप थे उस वक्त, हमने एमआरपी और एमएसपी के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि भाई एमआरपी और एमएसपी दोनों को आपस में सामंजस्य होना चाहिए, और रिटेल जो उपभोक्ता को फायदा तभी मिलेगा तब उसको घटे हुए दाम पे ऑयल भी मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही चीज अभी सरसों पे है कि सरसों के अंदर फसल की बात अच्छी हो रही है, 110 लाख टन, 115 लाख टन की बातें हो रही है, और 24-25% रकवा भी सरसों के अंदर बढ़ोतरी की बात हो रही है। ये सही है, मुझे इसमें कोई दोहराई नहीं है, और पिछले साल सरसों की अच्छी तेजी की वजह से किसानों ने अच्छी इसमें बढ़ोतरी भी की है, और लेकिन अब समय पॉइंट ये है कि इतनी उत्पादन के बाद क्या किसान को फायदा मिलेगा, क्योंकि खाद्य तेल जो है अमूमन होता ही है कि सरसों का तेल सोयाबीन के तेल से महंगा बिकता है, ये एक हमेशा परिपाटी रही है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, सोयाबीन का तेल महंगा है सरसों का सस्ता है जी। एक दूसरी चीज क्या है कि सरसों को जो पिछली पाइपलाइन थी वो तकरीबन महंगी कैब वजह से, आप देखिए एक अद्भुत चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दर्शकों के लिए आपके माध्यम से, सरसों 8400-8400 रुपए बिकी फरवरी महीने में, जिसका लगातार अपडेट हमने आपको इस चैनल पे भी दिया था, जबकि मार्च के अंदर सरसों बिल्कुल शानदार रूप से खड़ी थी जी। फसल जो है सरसों की वो फरवरी के अंदर नजर आ रही थी कि इतनी शानदार फसल है, और इसका इस बार 24-25% रकबा भी अधिक है, तो फसल क्या होगी उस समय 8400-8400-8500 की जो सरसों बिकी उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, उत्पादन बढ़िया आ रहा है तो उस टाइम क्यों बढ़ेगा, लेकिन वो माल बिका। तो मेरा कहना यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का अपना असर होता है, लेकिन आज जो बाजार है वो ग्लोबल विलेज है, पूरे विश्व को खाली आपको ध्यान में रख के आपके बाजारों की दाम कम या ज्यादा होते हैं। एक तरफ इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल की किल्लत हो रही है, वहां पर वो एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की भी तैयारी की, फिर बाद में एक्सपोर्ट जब पे बैन हटाने की भी बात की, इधर अर्जेंटीना और बाकी जो ऑयल सीड उत्पादक राष्ट्र हैं उनसे भी समाचार आप देखें, इधर यूएसडी के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर को भी आप देखें, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरसों में हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और इसकी डिटेल रिपोर्ट हम लोग खुलासा बिल्कुल ही अपने दर्शकों के लिए करेंगे, लेकिन मैं कुल मिला के यही कह सकता हूँ। और एक चीज और है कि चना और सरसों
जो महत्वपूर्ण फसल है इस करंट सीजन की, इन दोनों पर ही विशेष रिपोर्ट के लिए हम चर्चा करेंगे अगले वाले एपिसोड में। दर्शकों को बिल्कुल मिस मत करना, अगले हर एपिसोड आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष लेके आएगा। जी अखिलेश जी। जी कनेर जी।